अपार्टमेंट अंदर सीधे विधे मिलती है सीधे मिलती है इसमें उसकी कमर अड़ी नहीं कमर नहीं अड़ी उसकी ए मम्मी ओ मामू इधर देखो और ये कौन सी बकरी है ऑस्ट्रिच पितृभूमि में इतने करोड़ लोग मिलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा हर इंसान पैसा मांगता है हर इंसान पैसा मांगता है सो गाइस कृष्णा जन्मभूमि के हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए वहाँ पे अभी इतना थक गया हूँ ना कि मेरे को बिना रोटी के तो बोलने में भी जोर आ रहा है इसलिए अभी हम सबसे पहले होटल में आ गए खाना खाने के लिए भी नहीं आ रहा फिर एक ही शॉप का इतनी एनर्जी आ गई है अब कुछ बाहर आ गया अब हम चौड़ा गोकुल गोकुल चलाना उसका होटल नहीं हरका ठीक है ये देखो गाइस कोई क्या ना हमारी गाड़ी के पीछे घड़ी लगा के चला गया हम गाड़ी कैसे निकाले पापा मैं बुला रही बुलडोजर आप गाड़ी जा रहे हैं ये पूछ लो अच्छा नहीं लग रहा है पूरा यहाँ आंखों पर आ गया पूरा पूछने में आ गया इसलिए सब मेरे को बोल रहे तेरे तो बीता ही नहीं बाकी बिहारी लाल की चलो निशा जी गेट तोड़ो 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 पापा कह रहे हैं होटल हरकाओ आप कह रहे हैं गेट तोड़ो मैं कह रहा हूँ मैं इंजन लेके भाग रहा हूँ आप गाड़ी लेके आ जाना ठीक है मम्मी तू बोल होटल को उड़ा दो आरडीएक्स लगा दो तो गाइस मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ 1 2 अभी अपने कपड़े चेंज हो गए फटाफट से गर्मी है अरे यार पूरे घर भर घबर अब बोलने भी नहीं आ रही इतने गुरु 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 गए चलो तो गाइस ये हमारे पंडित जी है हमारे पंडित जी घुमाएंगे ठीक पंडित जी अच्छे से घुमाना अरे सबको नहीं बताएगा तो दूर सबको पड़ेगा हाँ ये बात ठीक है हमारा काम बताने का है नहीं बताएगा तो दूर मुझे बोलो कृष्ण भगवान की जय जय टॉपी भी मतलब टॉपी लेनी वाला है फूल गणे भाया आप गणे अरे गणे भाया फूल राधा कृष्ण का नाम भी ठक गया फूल ही फूल भाया यार मेरे को ऐसा लग रहा मैं यहाँ आया हूँ ओए ओ बाबू जी अकेला अकेला कटी जा रहा ओ टूरिस्ट सब राधे राधे एक बार हंस के बताना वापस जा रहे गाइस ये ना जो राधे कृष्ण का झूला है ना वो झूला पे हम चढ़ाएंगे फूल देखो मथुरा में ये दर्शन है ये स्वरूप से मथुरा से ला रही है भगवान को बलदेव जी बारिश पड़ता तो शेषार कौन है कृष्ण का बड़ा भाई बलदेव जी हाँ जी हाँ जी राम अवतार में लक्ष्मण है कृष्ण अवतार में बड़ा भाई बलदेव जी है मथुरा का लड़की और गोकुल का गाय जिसका भाग्य फूट है वो बाहर गाँव जाए यहाँ गाय का बिक्री नहीं होता है जिसका खिलाने को नहीं होता है वो गौशाला में भर्ती कर देता है जय बोलो गौ माता की जय मथुरा की लड़की भी है करके ले जाए वो तो सब तरह का है चौबा जाती है मथुरा की लड़की और मथुरा की गाय हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बड़े भाग्यशाली का झूला है भगवान का जो कल मावस्या है ना कल का निकल के हमको सबको इकट्ठा होने दिया करो फिर अधूरी बात सुनते हम तो नहीं बोला नहीं अभी तक इन्होंने कुछ ये चार धाम के माता पिता का घर है गोकुल एक पेड़ गोकुल लगा और डार गई जगन्नाथ और फूल का फूला द्वारका और फल लागा बद्रीनाथ आज ये जगह नहीं होता तो चार धाम नहीं होता जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय अपन तो झरना आ गए चारों धाम की यात्रा अपन ने चारों धाम की यात्रा यही कर यहाँ पार हुए ऊपर बड़ा मंदिर है योग माया लौट के करना है पहले बड़ा जगह देखना है ठीक है स्नान भी कर सकते
अपन जाना सब करेंगे मामू शांत पाकिस्तानी हो हम चलो 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 जो भी टाइम लगेगा 10-20 मिनट यहाँ लगेगा। ये नंदे बाबा का घर है। अच्छा। हिंदू का बालक जन्माष्टमी मनाता है। हाँ। वो यहाँ का मनाता है। नंदे घर आनंद भये जय कन्हैया लाल। यहाँ सबको चप्पल अंदर खोलना है। यहाँ तीन बात का ध्यान रखना है, आगे खोलना है। तीन बात का ध्यान रखना है सब लोग को। पहला तो खड़ा होकर दर्शन नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में कृष्ण है, यहाँ बाल कृष्ण है, भगवान पल्ले में झूल लिया है। खड़े होके दर्शन करते हैं, शरीर का परछाई पड़ता है, दोष अपराध पड़ता है, सबको बैठ के दर्शन करना है। दूसरा है दर्शन सबको करना है, झूला सबको झूलाना है। जिसका खुशी बोले वो एक जगह यहाँ कृष्ण का भोग लगता है। जैसे जगन्नाथपुरी जाएंगे वहाँ चावल का भोग है, बद्रीनारायण में चना की दाल का है, यहाँ माखन और मिश्री का है। यहाँ से दो वस्तु मिलेगा, एक जन्माष्टमी का प्रसाद मिलेगा, वो आपके घर के लिए जाएगा। एक मनोकामना का मंगल वस्त्र मिलेगा। यहाँ एक जगह कृष्ण का भोग चढ़ता है, पाव का, आधा किलो का और किलो का। तीन प्रकार के भोग ऐसे हैं कि जिसको गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, वो अखंड चलते हैं जब तक मंदिर रहता है। जय बोलो कृष्ण भगवान। तीन दिन और तीन रात शंकर भगवान बैठ करके तपस्या किया है, तब जसोदा ने कृष्ण को रूप से दिखाया है। बोलो शंकर भगवान की। चप्पल जूता आगे एक साइड में खोल देना, चप्पल जूता एक साइड में खोल देना और हाथ धो लेना। तो पत्ती जोड़ा से आया है, जोड़ा से बैठ के जोड़ा चलाना। हाँ मान बंद करना है, मोबाइल बंद है, मोबाइल बंद करेंगे। जो नीचे जमुना बह रही है ऊपर मंदिर बना है। नंद के आनंद भयो, सामने से नदी को पार किया। अच्छा, यहाँ सबको नेम का काम है, राजा हो या गरीब, सेठ हो या साहूकार, जो आगे बैठा है पहले उसको पूरा होगा। अच्छा। उसके बाद अपना नंबर आएगा, अपने आप आपके पीछे राजा आएगा, उसको बाद में बैठना पड़ेगा। सब लोग हाथ जोड़ कर लो जमुना जी का। जय हो यमुना माता की, जय हमारे यहाँ के दर्शन हो गए, पंडित बंद कर दिया गुरुजी ने। अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ से और पंडित जी हमारे को क्या क्या पता कहाँ घुमा ले जाएंगे। अब जूते पहन ले, बोलो जमुना माता की जय। स्नान करके पूरे परिवार के माथे पे टीको लगाई दियो, काले जाओगी यहाँ से बोले गोकुल की माटी और हंस के कृष्णा ने चाटी। परिवार आनंद करे, बच्चे आनंद करे, नंद घर आनंद हो जाए, कन्हैया लाल की मराठी घोड़ा हाल की। क्या नाम है बहन जी? प्रेम से भगवान को माथा टेको, श्रद्धा से भगवान को दान करो। भगवान को दान करो, बल्लाओ जी बधाई का। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कितना बहन है तुम्हारा? चार। और भाई? अकेले हूँ। तेरा नाम अंशुला। कितना दान करोगे चारों बहन के तरफ से? 50 का 20 का? पापा ही नहीं है, पापा मम्मी है। हाँ बाबा, कितना दान करोगे? 20 रुपये कर। 20 रुपये मटको में। आप जो छुट्टी लाल का नाम बोलेगा, मेरा पापा का नाम है देवेश और मेरा दादा का नाम है हुसैन जी और प्रणामी का नाम है दादी और मम्मा का बोलने के सुन। मम्मा का नाम है करुणा। करुणा ये मटकी है। मम्मा का नाम
तेरा नाम बता। तेरा नाम क्या है? आप कितना पढ़े हैं? दो पढ़े हैं, दो में जाते अभी पढ़ने जाते हैं। तो आप कभी नहीं गया तो हुआ है। अरे इनको पढ़ाई लिखाई मारा देना, अच्छा नंबर से पास हो गया। ऐसा हो बड़ा हो गया। हमें 20 रुपए लाएंगे अब इसका। अभी उनके दोस्तों का और वो बन रहा है। अरे चल तो रहा हूं, चलो बोलो गंगा माता की जय। भाई हमारे जोर माया सारे। तो तेरे पापा का नाम क्या था रे? तो गाइस अभी हम यहाँ से फ्री हो गए हैं। अरे जिया जी, ये जगह का नाम क्या था? तो गाइस हम गोकुल से फ्री हो गए हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। आगे कहाँ जा रहे हैं जिया जी? रमन रेती ये चल रहे हम रमन। तो जिया जी पिए क्या ये? बैठो चल। अब पियो यार, ठंड तो गर्मी बहुत लग रही है। ओ दीदी रुको, वो मामू ऐसे दो कड़े लिए पैरों। ठीक है, नमकीन है। तो अभी हम जा रहे हैं रमन रेती और उसके बाद हम जाएंगे ब्रह्म घाट। अभी बैठ गए कार के अंदर, छोड़ा भी नहीं, बिल्कुल मजे नहीं आया। फाइनली अभी हम आ गए रमन रेती में और रमन रेती में हमारे को यहाँ पे पास में एक जू दिखा है, तो अभी हम उस जू के अंदर देख के आएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं जू की तरफ और जू देखेंगे और फिर हम निकलेंगे आगे ब्रह्म घाट के लिए। जय जी रमन रेती में ये जू ही है देखने के लिए और भी कुछ है? ये लोग हर बार पानी की बोतल भूल रहे थे, बस इस बार मैंने अच्छे से याद करके। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधा रमन रेती में और इतने थक गए, मैं खुश होके बोल रहा हूँ। और हम प्यास हम इतने थक गए फिर भी मैं इतना खुश होके बोल रहा हूँ क्योंकि व्लॉग अच्छा होना चाहिए। मेरे फेस पे बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। लेकिन मैं कभी थकता नहीं हूँ क्योंकि मैं अश्वगंधा खाता हूँ। अश्वगंधा बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन। सू तो क्या है दीदी, अपने घर ही चिड़िया घर है, कबूतर पालन। अपने घर में सारे शेर है। यार कितने अच्छे लोग है, फ्री में गुलपा खिला रहे हैं। भगवान के यहाँ पे ऐसे ही होने की फ्री में। ओहो हिरन सलमान खान, हिरन मत दिखाओ नहीं तो सलमान खान आ जाएगा। जब हिरन दूध नहीं पीता तो उसकी माँ कहती है बेटा दूध पी ले नहीं तो सलमान खान आ जाएगा। हेलो बियर, बियर नहीं है ये डियर है। हेलो डियर, वेयर आर बियर? कस्तूरी जो खुशबूदार होगा। इतना मजा आ रहा है हमें, इतने अलग अलग प्रकार के हिरन देख रहे हैं। इसके हाथ लगा दे भाग गया। वो आपको पसंद नहीं कर रहा है? डर लग रहा है थोड़ा इसको हाथ लगाने में, क्या पता खा जाए। ये तो हिरन, अरे ये तो टॉयलेट कर रहा है। हाला हिरन है इसके सींग बड़े हैं। तू सींग तो देख, हाथ लगाओ सींग के, हाथ लगाओ सींग के। वाह यार दीदी लगता है भाई। वाह यार हाथ लगा मैंने ही। चलो चलो आ जाओ दीदी, आ जाओ चलो। ओ पल पल में कब भागे? ओ इंदो को, इंदो को ये भाग क्यों रहे? ओ मामू इधर देखो। और ये कौन सी बकरी है? ऑस्ट्रिच। अरे सुदूर मुर्ग है ये तो। अरे सुदूर मुर्ग, अरे सपना था जिंदगी में एक बार शुतुरमुर्ग देखने का, वो भी हमने देख लिया। वो आपको भी दिखा ये रहा तेरा शुतुरमुर्ग। आप कहाँ जाएंगे? उस रेत को हम पानी पिला के आएंगे, उस रेत की प्यास बुझा के आएंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ के पट पड़ गए, 4 बज गई है और अभी हम अंदर जाएंगे। आजो क्या के भाई यहाँ पे उधर ही। तो ये है रमन रेती,
अंदर का ये गेट है, अभी अपन यहाँ से अंदर चलते हैं। बाबा चलो आ जाओ, चलते आगे चलो। और यहाँ पे चारों तरफ इतनी हरियाली है, शानदार एकदम मौसम बना रखा है, तो अच्छा भी लग रहा है कि नहीं। थोड़ा देखो ना, यहाँ फोटो खींचना सख्त मन है। मैं मना है, मैं देख रहा था। आ जा टोना दीदी, इधर देखना, जेब कचरे से सावधान। मोबाइल बंद है, इतने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो रही है चारों तरफ। रहती देखने के लिए, उसके लिए मैं पापा को बुला के लेता हूँ फटाफट। बन जाऊँ बेबी सीटर, मेरी दीदी भी बेबी सीटर है, तो भी चलते हैं बेबी सीटिंग करते हैं। लो पापा आ जाओ। योगी जी ने हेलीकॉप्टर का पंखा भी यहाँ लगा दिया। ये क्या है दीदी? ये पराशर, ये अच्छा। हाँ मम्मी, अब लिख स्टेटस नाक से बजे दू। हाँ, हर ऋषि की एक कुटिया। पर डे ऋषि सच में रहे वे हैं? अच्छा, बात्री कुटिया है क्या? ना क्या और कहीं कौन है देख लो। और ये गाइस इतनी सारी अच्छी अच्छी हस्तकलाएं तो नहीं है वैसे, तो ये आर्किटेक्चर है पूरा, हस्तकलाएं नहीं है क्या? ओ गुरु जी का ऐसा रूम है, ऋषि है, ऋषि ऋषि श्रृंगी, ऋषि मुनि, अत्री मुनि भी। ऐसा आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी झोपड़ियाँ हैं हर ऋषि की। भैया रमन रहती थी किधर है वो? उसमें रहती भी है क्या किधर? ये तो है मंदिर के पीछे उस साइड। सो गाइस तो ए सी बन के पानी पी लेते हैं। हाय हाय मजा आ गया। यहाँ पे बस एक लैंग्वेज, बहुत सारे लोग आते सबको राधे राधे बोलो, सब समझ जाते। और ये इतनी बड़ी कुटिया है, भंडारा होता है यहाँ तो यहाँ से चलते पीछे। और यहाँ अभी तक भी भजन संगत चल रही है, अपन चल रहे पीछे। सरोवर में नहाए तब मजा है। तो महाराज अपन पूजा पाठ में लगे थे, सिद्धियाँ विद्या मिलती होगा, सिद्धियाँ मिलती है इसमें यार, सिद्धियाँ मिलती होगी भगवान की पुआल पूजा के बाद। चल चल चल, इमोशनल डैमेज ठीक है वरा। अरे कि भूत तांडव भी निकले गए हैं, ऐसा क्या है? अपना घर बनाने वाले को घर मिलता है, इसीलिए राज रमन देखिए।
ए मम्मी, ए मम्मी, मैं भी घर बनाऊं, हट जा। ये नालो, सबसे पहले मैं ट्राईपॉड बनाऊंगा, उसके बाद अपना घर बनाऊंगा। मम्मी रुक, मैं ट्राईपॉड स्टैंड तो है यार, रुक। स्टैंड बना दे, मैं फोन लगा दूं, मैं एक बार मोटो घर बनाऊं। एक धोबी पचाड़ और बस जीत गए। एक धोबी पचाड़ और हो जाता था मजा। चलो चलो दीदी खड़ो, सब बच्चे बन गए, आप आ गए दीदी। बहुत मजा आया, और इसे रमन रेती कहते हैं। इसे रमन रेती, यहाँ अगर अपना घर बनाओ तो अपने घर बनाने का सपना पूरा होता है। मैंने तो बना दिया, बहुत बड़ा महल बनाया मैंने। मैंने भी बनाया और गुफा वाला घर बनाया। आने वाली गर्मी मुझे ऐसी नहीं लगानी पड़ेगी। वो आंटी जी लौट रही है। ये अलग से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करवा। नीता दीदी, ये पावर प्लांट क्यों लगा रहे हो? पावर प्लांट क्यों? पटक दीदी तो चला जाओ। और जी मम्मी का क्या? मम्मी आनंद ये मंदिर में जोरदार मजा आ गया। रेती रेत में हो गए यार। तो यार रमन रेती साहब निकल रहे हैं हम ब्रह्म घाट के लिए, तो चलो सीधा वहीं मिलेंगे आपसे, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने ये भी गाय भी पाल रखी है बहुत सारी, और ये हमारे हेजल को देखो पूरी कांधे में हो गई। ये है कुरुक्षेत्र का रथ। तो यार रमन रेत की रमन साथ रेत साथ में लेके अब हम जा रहे हैं ब्रह्म घाट। और अभी ब्रह्म घाट में पता नहीं है क्या, लेकिन मंदिर इतना जोरदार था ना, मजा आ गया। चलो ठीक, एक रफा भी नहीं मांगे। तो गाइस फाइनली हम आ गए चौरासी घाट पे। पापा अंदर है और अभी यहाँ से चलते हैं। सारा किला नंद बाबा का जो आप देखो, ये सामने जो मन हो सो देना, मैं आप मोखरों के मांगा इतना देना है। चले चलो बाल कृष्ण भगवान की जय। हे ब्रजवासी ब्राह्मण आ गया, मेरे को मेरे भी आ गया है? यही तो है सेम। यू यू ये ऊंचा नीचा टीला है। एक ही कौन सी हम आए जो ये गेट ही बचाई, ये गेट से पहले सात, ये तो नया बना है। हाँ ये पुराने वाले गेट सात थे, खराब आ गए इनमें ऐसी माया को ले गए। ये सारा किला है नंद बाबा का, जो भगवान गाछ रहते थे ढाई कोस के एरिया में। ब्रज में आज भी चार चीज प्राचीन है। सबसे पहले ब्रज की भूमि, दूसरे पे गिरी गोवर्धन, तीसरे पे जमुना जी, चौथे पर नंद बाबा का महल है। महल धुआं से काला पड़ा हुआ है, खम्मा चलना पड़ा हुआ है, वो नंद बाबा की आई। ये उसी समय का है, बहुजी है आज से 8-9 हजार साल पहले का होगा।
कितने खराब है। ये 9 लाख गाय रहती थी, तो गाय के गोबर का चूहा होता है। ये 5781 साल पुराना है। क्या देखो, इस रास्ते को बोलते हैं चोर रास्ता। क्या बोलते हैं? चोर रास्ता। वासुदेव जी इसी रास्ते से भगवान को रात्रि के 12 बजे टोकरी में रख करके गोकुल के लिए लाए। यहाँ बड़े भाई बलराम का जन्म स्थान है रौड़ी के गर्भ से। यहाँ भगवान को छुपा गए, योग माया को ले गए। ये सामने गौशाला है, दोनों फूटे बाहर गांव में जाए। गोकुल में गाय की बिक्री नहीं करते हैं, मथुरा की बेटी की शादी मथुरई में करते हैं। यहाँ सब लोग दर्शन करेंगे गौ माता का, स्टैंड पर चप्पल जूता छोड़ेंगे और टंकी पर हाथ धोएंगे और फोन को कर लो बंद, तब वीडियो नहीं बनेगा। तो गाइस फाइनली हमने 84 का 84 गम में, अरे माँ के गाय है, ले हमें चाय ले, पापा परेशान नहीं रहे, हम मजबू करे यार। तो गाइस 84 गम में भी घूम लिए, अरे तू चल बाद में, तो सब बता दूंगा मैं। बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। तो गाइस इतना मज़ा आ रहा था शुरुआत में 84 गम लोग के दर्शन के लिए, लेकिन यार ये पंडित जी इतने पैसे मांगते हैं ना भाई। चित्रभूमि पे इतने फ्रॉड लोग मिलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा। हर इंसान पैसा मांगता है। अच्छा सो गाइस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लोगों को जो आते हैं गरीब लोग उनको लूटना नहीं चाहिए इनको। और ये जो पंडित तो इतना नहीं लूटते, लेकिन जो बाहर जो खड़े रहते हैं दलाल, ये दलाल ज़्यादा लूटते हैं। चंदा दीदी लड़की न्यूली कपल है, वो उनके दोनों के 5,000 रुपए इन पंडितों ने लुटवा दिए। वो दोनों रोने जैसे हो रहे बिल्कुल, और उसने बोला अब कोई दर्शन नहीं करने, सीधे घर चलो। तो गाइस अभी हम आ गए ब्रह्म घाट पे, अभी ब्रह्म घाट के आपको दर्शन कराते हैं, बहुत ही शानदार है। और आ गया प्रभु आ गया, वहाँ का प्रभु आ गया। हर जगह स्कीम है, आपकी भी कोई स्कीम हो तो बता दो। ले 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 उतर। ओ मैंने पाचे बंद करना क्या? अब हम भी आगे बैठेंगे, अब आपको पीछे बैठाएंगे तीनों को, अब हम भी आगे से बंद करके भाग जाएंगे आप। हाँ फोटो खींचा, यहाँ पे आगे थोड़ा मन अच्छा हो गया, शांत हो गया, कोई पैसा वैसा नहीं लगा। ओह नीचे तो दीदी ऐसा लग रहा है उमस आ रही है, ऊपर तो फिर भी ठीक था। हाँ तो लफड़ा है, आओ ये कछुआ है, ये देखो गाइस सांप, ओहो देखो तो सही, और मछली मुंह में घुस गए। अरे नहीं इसकी खुद का मुंह इसने खा रखा है, सांप को ले रखा है, दूसरे सांप को ले रखा है, दूसरे सांप को मार रहा है, एक सांप दूसरे सांप से लड़ रहा है। अरे इसको मारने के लिए देख बाहर मुंह निकाला उसने अपना, क्योंकि मछली पानी में सांस लेती है। सो गाइस जैसा आपने देखा सांप मछली को खा के मार रहा था, सॉरी मार के खा रहा था। हाँ बहुत सारे सांप है इस तट के अंदर। तो गाइस अभी चलते हैं, फोन आ गया है, हमने बहुत सारे फोटो खिंचाए। गाइस अभी अपन चलते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छा घाट था ब्रह्म घाट, अच्छा था, मज़ा आ गया देख के। और यहाँ पे सांप ही रहते हैं मेरे को लगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कछुए हैं, सांप और कछुए, मछलियाँ दिखी नहीं है मेरे को। तो अभी चलते हैं यहाँ से, अभी यहाँ से हम जाएंगे गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत पे जाने के बाद हम वहीं स्टे करेंगे। आज की यात्रा यही समाप्त होती है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे पे, बाय।
गया है, आज का दिन पूरा हो गया है। फाइनली हम हमारे रूम में आ गए और अब हम खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय। मन को सुबह सुबह नींद आई, वाके बाद नींद उड़ गई मेरी। अरे यार ध्रुव हार गया।